योग हमारे लिए क्यों जरूरी है। मैं एक बीबीसी का आर्टिकल देख रहा था, तो उसमें डॉक्टर एस सी मनचंदा जो पद्मश्री हैं, हमारे देश के अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो ये उन्होंने भी मतलब योग को रिकमेंड किया। किस लिए कि 40% जो युवा हैं, जो हमारी यूथ है, उन्हें अब जो पहले देखा जाता था कि जो हार्ट अटैक होता है वो एजिड लोगों से जोड़ के हम देखते थे, तो उन्होंने बताया कि अब ये युवाओं में क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने योग के लिए रिकमेंड किया। उन्होंने बताया कि जो हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो रहा है कि हम तला हुए चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है कि जब धमनियों से या आर्टरी से हमारा ब्लड अच्छी तरीके से हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, तो हमें ये हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बताया कि हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए या इस प्रॉब्लम को, इससे दूर रहने के लिए उन्होंने योग को रिकमेंड किया है। योग के लिए बताया कि योग और ध्यान, ध्यान सबसे पहले कि लाइफ जो है मतलब बहुत प्रॉब्लम में रहती है, दिन भर हम काम करते हैं, तो उसके लिए हमारा ध्यान एकाग्रचित होना, स्ट्रेस से दूर रहना, स्ट्रेस से ही तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सारी जो बीमारी होती है। उन घेरण संहिता है उसमें बताया गया है कि जो 80% हमारी बॉडी के अंदर बीमारी आती है वो मन से आती है। सबसे पहले मन से हमारे बीमारी का वो होता है, जो अगर हमारा मन शांत रहेगा, हमारा चित्त एकाग्र रहेगा, तो ये बीमारी हमसे दूर रहेगी। 20% ही बीमारी हमारी बाहरी वायरस या टॉक्सिक से अंदर आती है, 80% बीमारी हमारे मन से क्षेत्र से आती है। तो हमें पहले उन्हें शांत करने के लिए योग को, उन्होंने बताया है कि 2005 तक जो ये बीमारी थी ये थर्ड नंबर पे थी हार्ट की, और अब 2015-16 के बाद 16 से ये नंबर 1 पर आ चुकी है। हार्ट से, हार्ट फेल्योर से हमारी जो डेथ हो रही है, जो प्री मैच्योर डेथ हम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा हो रही है हार्ट की प्रॉब्लम जो आ रही है। तो उन्होंने इसे दूर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक जो हम तला हुआ ये ब्लड में जो चिकनाई आती है उसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल पहुँचने के बाद हमारा जो ब्लड है वो अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाता है, तो इन सबसे दूर रहने के लिए उन्होंने बताया, और उन्होंने इस बीमारी से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका भी योग को ही बताया है। योग में प्राणायाम हम कर सकते हैं उसके लिए, हम इन चीज़ों से बचने के लिए, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, युवाओं का ध्यान रखना है। ये बीमारी अब युवाओं में ज़्यादा आने लगी है, हार्ट फेल्योर की, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। प्राणायाम और योग को हमें अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है और इसे आगे बढ़ाना भी है। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी अच्छे तरीके से बताता हूँ, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं। सारी जानकारी वीडियो से नहीं दी जा सकती क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, तो उसमें बहुत सारी जानकारी जो आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगी, आप उसे खोलोगे। ठीक है, धन्यवाद। हम ऐसे ही आसन कराते रहेंगे।